सोनिया गांधी आने वाली हैं जयपुर, और ऐसे में प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा कुछ बता रहे हैं, सुनिए। अभी से यहाँ इलेक्ट्रल बॉन्ड में उन्होंने पैसे दे दिए और उनके पेपर साफ, ये लोगों में हम जाएंगे। आप राजस्थान में देख लीजिए जो योजनाएं जहाँ लागू हुई, कहाँ गई चिरजीवी योजना, क्या है कुछ दिखाई नहीं दे रही। इंदिरा रसोई बंद कर दी, जो जो मित्र रखे थे आप वहाँ 5,000, उन बच्चों का क्या कसूर है? नाम बदल दो, आपको राजीव गांधी का नाम नहीं अच्छा लगता तो आप किसी और बीजेपी के लीडर का नाम रख लो, पर उन बच्चों को नौकरी से तो नहीं निकालना चाहिए। ये सभी बातें हम लेकर पब्लिक में जाएंगे, और कल जो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखिए 6 घंटे वहाँ बीकानेर में लोग वेट करते रहे और एक आदमी नहीं उठा, ये कांग्रेस के लिए शुभ संकेत है, हम जीतेंगे। और ये कहते हैं ना, हम क्या बोलते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, मैं कहता हूं कि लोग खड़े हो गए हैं कि बीजेपी मुक्त भारत बनाएंगे। इनको ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि कांग्रेस के आदमियों को बीजेपी ज्वाइन करवा के वो चाहते हैं, वो कभी नहीं मानेंगे। लोगों को पता चल गया है, 10 साल का जो कहा था कि 2 करोड़ एक साल में नौकरी देंगे, 20 करोड़ नौजवान बैठा वेट कर रहा है हिंदुस्तान का कि हमारी नौकरी कहाँ है, वो भी वोट इनके अगेंस्ट जाएगी। आप हमने प्रोग्राम बनाया है, और जो हमारे कैंडिडेट हैं, जो हमारे नेता हैं, उनमें पूरा उत्साह है कि उस दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेकर आएंगे। पहले तो हमारा था कि मैनिफेस्टो रिलीज करना है, पर इन्होंने हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, एक्स सीएम साहब और हमारे अध्यक्ष जी कहने लगे कि नहीं हम रैली करेंगे। तो उनसे पूछा कि क्या करना चाहिए, कहने लगे जी रैली करनी चाहिए और ज़बरदस्त लोगों की भीड़ में जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है वो होना चाहिए। लोगों का मैनिफेस्टो है, आप देखते हैं कि बीजेपी गारंटी देती है, गारंटी कहाँ गई, कहाँ फौज की भर्ती कहाँ गई, वो जो अग्निवीर है, यार क्या आप मजाक कर रहे हैं देश के लिए, इसके साथ ये सभी बातों पर चर्चा की। और हमारा जो इलेक्शन का बिगल है, कांग्रेस अपने प्रचार और पूरी क्या प्रोग्राम सोनिया जी का, 6 तारीख को वो आएंगे, उस दिन हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो रिलीज होगा, पब्लिक मीटिंग में करेंगे। नहीं देखिए, टिकटें तो हर पार्टी को टाइम टू टाइम चेंज करनी पड़ती हैं, वो हम देखते हैं इनके साथ लगाए थे, स्क्रीनिंग कमेटी थी, कैंडिडेट से क्या बात नहीं हुई सर, होमवर्क नहीं, वो देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखते हैं कि कई बार हर पार्टी एन मौके पर भी कैंडिडेट चेंज करते हैं, वो कोई जवाब नहीं है, ऐसा नहीं है कोई, वो भी देखने पर जाति समीकरण भी देखने पड़ते हैं वो हम